ये गाड़ी है जो कि इधर कितने एक्सेलरेशन से जा रही है, ए नॉट से। यहाँ पे क्या है, एक ये मास एम यहाँ पे हैंग था, हैंग। और जब ये गाड़ी इधर जा रही थी तो बेसिकली हुआ क्या, ये इधर एक्सेलरेशन ए नॉट था इसका, इसलिए थोड़ी सी ये जो मास, जो एम मास है वो बेसिकली किधर हो गया, इधर ऐसे झुक गया, ठीक है ना। इस गाड़ी को जब एक्सेलरेशन ए नॉट मिला उसकी वजह से बेसिकली जो अपना पेंडुलम जो है वो पार्टिकल जो रिस्ट्रिंग से जो लटका हुआ है नीचे की तरफ वो बेसिकली किधर हो गया, इधर हो गया, ठीक है ना। और वो यहाँ पे आके ठहर गया, मान लीजिए यहाँ पे आके क्या, किस पे है ये, इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। और ये एंगल क्या है, थीटा, ठीक है। तो आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है आपको, थीटा की वैल्यू, ठीक है ना। तो देखो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप देखना चाहते हो तो थीटा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। जैसे कि क्या करोगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे कि ये क्या है, इधर रस्सी में ऐसे टेंशन है, ठीक है ना। और आप देखोगे कि यहां से वर्टिकल से जो एंगल था ये कितना है, थीटा। तो ये एंगल क्या लगेगा, थीटा। मतलब टी का जो टी क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है किस पर, इस बॉल पर। तो टी के दो कंपोनेंट, इधर कितना टी साइन थीटा और इधर कितना टी कॉस थीटा, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि अगर आप ग्राउंड से खड़े होके देख रहे हैं तो ग्राउंड से खड़े होके देखोगे तो आपको इधर ये बॉल, जो बॉल है गाड़ी के साथ इधर ए नॉट एक्सेलरेशन से जाती हुई नजर आएगी, ठीक है ना। तो यहां से हम क्लियर कह सकते हैं कि क्या करेगा ये, बोलो ये मा, ये जो जो इनर्शियल ऑब्जर्वर क्या करेगा, इनर्शियल ऑब्जर्वर जो ग्राउंड से देख रहा है वो क्या करेगा, इसके हॉरिजॉन्टल फोर्स देखेगा जो कितना है इस पर टी साइन थीटा, और इक्वल टू क्या करेगा ये, इसका मास मल्टीप्लाई बाय द एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विच इज मास इनटू ए नॉट। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बना डालेगा ये, और वर्टिकल में देखेगा कि वर्टिकल में कोई भी मोशन नहीं है, और नीचे क्या लगेगा, इस पर एम जी लगेगा, ये कहेगा कि नीचे तो एम जी लगेगा और ऊपर कितना है टी कॉस थीटा। तो ये टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या करेगा, एम जी करेगा। तो इसको सेकेंड इक्वेशन बनाएगा ये, ठीक है ना। तो ये ए ऑब्जर्वर ने बनाई इक्वेशन, और अब क्या है, इन दोनों को डिवाइड कर देगा, और इन दोनों को जब डिवाइड करेगा तो आंसर क्या मिलेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि टी से टी कट जाएगा, इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा विल बी इक्वल टू, यहां से एम कट जाएगा, ए नॉट बाय जी। तो यहां से थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका, टेन इनवर्स ए नॉट बाय जी, ठीक है। दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द एंगल थीटा, ठीक है ना, विद द वर्टिकल, ठीक है। ऐसे आप एंगल थीटा निकाल सकते हो, ठीक है। बट ये सारा जब इनर्शियल ऑब्जर्वर से नहीं करना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैं इसे नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर से करूं, जो कि एक ऑब्जर्वर है जो कि इसी में बैठा है, किस में बैठा है, ये बी, इसी में, इस गाड़ी में ही बैठा है जो कि ए नॉट से इधर जा रही है। तो ये क्या करेगा, ये अगर इस पर क्या लगाना चाहता है, न्यूटन के लॉ लगाना चाहता है, तो ये एक चीज करेगा इस बॉल पे, और वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि इधर एक क्या लगा देगा, स्यूडो फोर्स। इधर क्यों लगाएगा, क्योंकि इसके फ्रेम का एक्सेलरेशन इधर है, इसलिए इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट क्या लगाएगा, स्यूडो फोर्स। और स्यूडो फोर्स कितना लगाएगा, इस बॉडी का मास एम मल्टीप्लाई बाय द एक्सेलरेशन, इसके फ्रेम का एक्सेलरेशन, या फिर बोले तो इसका एक्सेलरेशन जो कि कितना है, इधर है, वो कितना है, ए नॉट है। तो ए नॉट इधर स्यूडो फोर्स लगा देगा। अब क्या देखेगा ये, अब ये देखेगा कि टी टेंशन तो इसके रिस्पेक्ट में भी लग रहा होगा, इसके रिस्पेक्ट में एम जी भी नीचे लग रहा होगा। तो ये क्या करेगा, टेंशन को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेगा, तो कहेगा कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो टी का इधर कंपोनेंट हो गया टी कॉस थीटा, और इधर कंपोनेंट हो गया टी साइन थीटा। तो यहां पे ये क्या कहेगा, इसके रिस्पेक्ट में ये बॉल किस पे है, रेस्ट पे है, इसके रिस्पेक्ट में ये बॉल रेस्ट पे है, तो ये हॉरिजॉन्टल में फोर्स जीरो कर देगा और वर्टिकल में फोर्स जीरो कर देगा। तो हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन क्या बनाएगा, टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए नॉट, और वर्टिकल में क्या बनाएगा, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। तो यहां ये फर्स्ट इक्वेशन मानेगा, सेकंड इक्वेशन मानेगा, दोनों को डिवाइड करेगा और सेम आंसर लाके रख देगा। समझ आ रही है। तो अगर ये विद रिस्पेक्ट टू बी सारी बात है की, विद रिस्पेक्ट टू बी अगर आपने सारी बात है की, तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, ध्यान रहे, ठीक है ना। तो यहां से आप सब कुछ निकाल सकते हैं। अगर आपका थीटा आ गया तो आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से टेंशन भी निकाल सकते हो। समझ आ रही है। अगर टेंशन चाहिए स्ट्रिंग में तो टेंशन भी निकाल सकते हो, ठीक है। इट इज वेरी इजी। तो सब कुछ आप निकाल सकते हो, ठीक है। लिखिए, मान लीजिए मैंने कुछ आपके लिए एग्जांपल कुछ ऐसे दे दिया कि दिस इज द लिफ्ट, कोई लिफ्ट है, ठीक है। इसमें क्या है, ये आपका पुली के साथ में ये ब्लॉक अटैच्ड है, दिस इज एम वन एंड दिस इज
एम टू, ठीक है। अब क्या है आपको, ये एम वन है, ये एम वन है, ये एम टू है, ठीक है। और ये जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ आपकी ए नॉट एक्सलेशन से जा रही है। और आपको क्या पूछा है कि फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग और एक्सलरेशन, क्या पूछा है, एक्सलरेशन ऑफ एम वन विद रिस्पेक्ट टू, मतलब लिफ्ट के रिस्पेक्ट में या फिर नेट एक्सलरेशन, कुछ भी आप कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए नेट एक्सलरेशन पूछा है, क्या पूछा है, ए नेट, समझ आ रही है, ए नेट एम वन का पूछा है, ऐसे ही ए नेट किसका पूछा है, एम टू का, समझ आ रही है, एम वन एंड एम टू का क्या पूछा है, एक्सलरेशन नेट, ठीक है। तो अब बताइए क्या होगा। तो अब देखो हम इसको मान लीजिए इस नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। मान लीजिए नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर कौन है, बी है, और हम बी के रिस्पेक्ट में सारी कहानी करेंगे। तो बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, बी के रिस्पेक्ट में इस पर क्या लगेगा, नीचे फोर्स लगेगा, वो कितना लगेगा, एम टू जी तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हम हमें पता है कि क्या, फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑन द फ्रेम, समझ आ रही है, फोर्स क्या है, फ्रेम इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, फोर्स इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, ऐसे हम बोल सकते हैं। एंड नीचे इस पर भी कितना लगा देगा ये, एम वन जी, ठीक है। और इसको लगेगा टेंशन, क्या लग रहा है, टी लगेगा यहाँ पर, टेंशन टी लगेगा यहाँ पर, ऐसे भी बोल सकता है, इसमें कोई शक नहीं। और ऐसा भी बोल दिया, मान लीजिए कि ए इधर जा रहा है, ए से ये इधर जा रहा है, और ये जो एम वन है वो ए से इधर जा रहा है, ये जो ए है वो क्या है, ये ए है एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन ऑफ मास एम वन, मास एम वन और एम टू, मतलब जो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, मास एक्सेलरेशन ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ मासेस ऐसे बोल सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी के रिस्पेक्ट में क्या है ये, एक्सेलरेशन है, बात समझ आ रही है, बी के रिस्पेक्ट में ये सारी स्टडी हो रही है। ये क्या है, एम वन का एक्सेलरेशन ए ऊपर की तरफ किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, एम टू का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ किसके रिस्पेक्ट में, एम टू बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। अब ये बी एक और चीज देखेगा, और वो क्या देखेगा कि भाई एक प्रॉब्लम है कि ये बी कौन है, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, तो ये मास एम वन और मास एम टू पर एक और फोर्स लगाएगा, और वो कितना लगाएगा, पहले तो बताइए किधर लगाएगा, मास एम वन पर, मास एम वन पर जो फोर्स लगाएगा वो लगाएगा इसके फ्रेम के एक्सलरेशन के ऑपोजिट, मतलब इसका एक्सलरेशन किधर है, ऊपर की तरफ, जो कि कितना है ए नॉट, मतलब इसके फ्रेम का एक्सलरेशन कितना है ए नॉट, जो कि कितना है ऊपर की तरफ। तो हम कह सकते हैं कि इस पर एक स्यूडो फोर्स जो ये लगाएगा वो लगाएगा जस्ट ऑपोजिट टू द एक्सलरेशन, ठीक है। एंड द मैग्नीट्यूड विल बी, इसका मास इस पार्टिकल का एम वन मल्टीप्लाई बाय द एक्सलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ बी, समझ आ रही है, विच इज ए नॉट, ठीक है। ऐसे ही इस एम टू पर भी फोर्स लगाएगा, वो कितना लगाएगा, एम टू इंटू ए नॉट, ये क्या है, स्यूडो फोर्स लग गए। अब ये क्या है, बी वाला जो है, बी वाला जो बी है ना, बी वो क्या लगा सकता है, इस एम वन पे भी क्या लगा सकता है, न्यूटन्स लॉ, और इस एम टू पे भी क्या लगा सकता है, न्यूटन्स लॉ। तो ये क्या लगाएगा, मान लीजिए एम वन को देख रहा है, ये क्या देख रहा है, एम वन को, तो एम वन को कहेगा ये कि इस पर ऊपर की तरफ टी लग रहा है, नीचे की तरफ इस पर लग रहा है एम एम वन इंटू ए नॉट, ठीक है, और नीचे क्या लग रहा है, एम वन इंटू जी, और ये कहेगा कि मेरे रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन कितना है, ए, मतलब ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ मासेस विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ये क्या है, ए की वैल्यू, ए क्या है, ए इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है बी के रिस्पेक्ट में, ऐसे ए ये है जो एक्सेलरेशन वो किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, एम टू का नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो ये सिनेरियो देखेगा कौन, बी, तो अब बी क्या लगाएगा इस पर, न्यूटन्स लॉ। तो कैसे करेगा, टी ऊपर की तरफ फोर्स माइनस नीचे की तरफ सारे फोर्सेस, वो क्या है, एम वन जी प्लस ए नॉट, मतलब एम वन जी प्लस एम वन जी, जैसे कि माइनस एम वन जी और माइनस एम वन इंटू ए नॉट, तो नीचे की तरफ हमने ये लगा दिया, ठीक है। एंड द एक्सेलरेशन मास कितना है इसका, एम वन ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई बाय द एक्सेलरेशन, ठीक है ना। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इफ आई टॉक अबाउट द सेकंड इक्वेशन, देन वी कैन से इट इज एम टू एंड द टेंशन इज अपवर्ड, एंड इस पर नीचे की तरफ फोर्स क्या है, एम टू जी, और नीचे की तरफ ये क्या है, एम टू इंटू ए नॉट, एम टू इंटू ए नॉट, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन कितना है नीचे की तरफ, ठीक है ना, ये किसके रिस्पेक्ट में बात चल रही है, बी के रिस्पेक्ट में। तो हम कह सकते हैं एम टू जी प्लस ए नॉट माइनस टी इक्वल टू एम टू इंटू एक्सेलरेशन विच इज ए, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। अब अगर बात की जाए कि मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझो कि इसको ऐड कर देता हूं, तो ऐड अगर हमने किया तो क्या आया, ये देखो एम टू
माइनस एम वन जी प्लस ए नॉट, ऐसा कुछ आया जब इसको ऐड किया तो, इसको जब ऐड किया तो क्या आया, एम वन प्लस एम टू इंटू ए. तो बेसिकली ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी, एम टू माइनस एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू जी प्लस ए नॉट. ठीक है, ये ए की वैल्यू आ गई. ऐसे ही आप ए की वैल्यू इस इक्वेशन में डालिए और जो आपको टी की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी टू एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू जी प्लस ए नॉट. ठीक है, ये आपकी क्या मिल जाएगी, टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी. ए की वैल्यू आ गई तो ए का, अगर एम वन का नेट एक्सेलरेशन मुझे जानना है, एम वन का नेट एक्सेलरेशन, तो एक बार बताओ कि एम वन का बी के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन क्या है, ऊपर की तरफ ए, और बी का एक्सेलरेशन खुद का कितना है, ऊपर की तरफ ए नॉट. समझ आ रही है? तो हम कह सकते हैं कि इसका जो नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा वो क्या होगा, ए नॉट प्लस ए, कितना, ए नॉट प्लस ए. या कह भी सकते हैं कि ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ एम वन, मतलब ए क्या है, ए क्या है, ए है एक्सेलरेशन ऑफ एम वन विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ एम वन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी. एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या है, ऊपर की तरफ ए नॉट, तो इसको इधर आके इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ए नॉट, ये क्या है, ए नॉट है ना, समझे. तो हम कह सकते हैं ए एम वन विल बी इक्वल टू ए प्लस ए नॉट, सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ एम वन. ऐसे निकाल देंगे, ऐसे ही क्या है, एम टू की बात करेंगे, देन वी कैन से एक्सेलरेशन ए क्या है इसका, नीचे की तरफ, ये किसके रिस्पेक्ट में बोलो, ये है बी के रिस्पेक्ट में, बट बी खुद ऊपर की तरफ कितने से जा रहा है, ए नॉट से. तो हम कह सकते हैं ए माइनस ए नॉट क्या हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन ऑफ एम टू इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, ये तो ये हो गई. अब देखो एक चीज यहाँ पे डिफरेंस जो आया है वो मैं आपको बता देता हूं. देखो अगर ये नहीं होता ए नॉट, ए नॉट नहीं होता तो टेंशन कितना आता, ये बताओ. ये हम कर चुके हैं, एडवर्ड मशीन होती है, ठीक है, एडवर्ड मशीन के लिए टेंशन निकाल चुके हैं. ये टर्म सेम आती है बट यहाँ पे क्या है, ए नॉट नहीं होता, ठीक है, जी होता है ओनली. कब, जब ए नॉट जीरो होता है, तो हमने प्रूव कर चुके हैं पहले और एडवर्ड मशीन के लिए टेंशन निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे बस डिफरेंस ये होता है कि ए नॉट वाली टर्म नहीं होती, समझे. यहाँ पे भी क्या होता है, ए नॉट वाली टर्म नहीं होती, बस ये सारा का सारा सेम रहता है. इसका मतलब हुआ क्या है कि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूं. शॉर्ट ट्रिक में क्या है कि बेसिकली जब भी ये ऊपर की तरफ ए नॉट से जा रहा है, तो इसका जो, इस पर जो नीचे की तरफ, ये मान लीजिए कि जो चेंज आया है वो किस में आया है, जी में चेंज आया है, ठीक है ना. जी की जगह क्या हो गया, जी प्लस ए नॉट, क्या हो गया, जी प्लस ए नॉट. और यहां पे भी किस में चेंज आया, जी में, जी प्लस ए नॉट हो गया. तो आप खुद ही देखिए, इस एम वन पे पहले फोर्स कितना लग रहा था, एम वन इंटू जी, और अब कितना लगने लगा है, एम वन इंटू जी प्लस एम वन इंटू ए नॉट, मतलब एम वन जी प्लस ए नॉट, मतलब जी की जगह बस जी प्लस ए नॉट ही तो शिफ्ट हुआ है. और यहां पे भी जी की जगह क्या हुआ है, जी प्लस ए नॉट ही जो शिफ्ट हुआ है. तो इसका मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि यहां पे अगर आप जो लास्ट फॉर्मूले थे उसमें जी की जगह जी प्लस ए नॉट आप शिफ्ट कर देते तो आपको डायरेक्ट भी आंसर मिल सकता था. ठीक है, तो ऐसे अपन सोच सकते हैं. इसको बाद में जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसको जी इफेक्टिव बोलते हैं. क्या बोलते हैं, जी इफेक्टिव, क्या बोलते हैं, जी इफेक्टिव. ठीक है, खैर इन चीजों के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, ऐसे हम इसके बारे में सोच सकते हैं. लिखिए, अब एक और चीज इसी में मैं पूछ लूं आपको कि मान लीजिए यहां पर मैंने एक स्प्रिंग लगा दी, एक स्प्रिंग लगा दी और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के है. ठीक है, अगर मैं पूछूं कि मान लीजिए इसमें एक्स नॉट क्या है, इलोंगेशन, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स नॉट. अगर मैंने पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स नॉट, देन यू कैन अप्लाई के एक्स नॉट विल बी इक्वल टू टू टी, बिकॉज टी टेंशन यहाँ, टी टेंशन यहाँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा, टू टी. तो के एक्स नॉट किसके इक्वल होनी चाहिए, टू टी के इक्वल. और टी आप निकाल चुके हो तो आराम से आप क्या निकाल सकते हो, इलोंगेशन इन दिस स्प्रिंग. ठीक है ना, और यहाँ पे ये भी बोल सकता है कि यहाँ पे क्या लगा दिया है, एक स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया है. स्प्रिंग बैलेंस का मैग्नी, स्प्रिंग बैलेंस में जो रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी, तो वो भी आप बता सकते हो. और वो कितनी होगी, 2t के इक्वल रीडिंग हो जाएगी. ठीक है ना, t हम निकाल चुके हैं, तो ऐसे आप निकाल सकते हो. लिखिए, मान लीजिए क्या है, ये लिफ्ट है, और ये क्या है, लिफ्ट में वेइंग मशीन रख दिया है. क्या रख दिया है, वेइंग मशीन रख दिया, ये आप खड़े हो. ठीक है ना, और लिफ्ट मान लीजिए ऊपर की तरफ ए नॉट एक्सेलरेशन से जा रही है, कितने से जा रही है, ए नॉट एक्सेलरेशन से. तो नॉर्मल रिएक्शन की अगर वैल्यू देखना चाहूं
तो हम कह सकते हैं सिंपल, अगर मान लो यहां बैठ के मैं स्टडी करना चाह रहा हूं तो मैं क्या देखूंगा, नॉर्मल रिएक्शन इस पे ऊपर की तरफ, ठीक है, और मेरे रिस्पेक्ट में जब मैं नॉन इनर्शियल क्या हूं, ऑब्जर्वर, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हूं, तो इसका मास मान लीजिए एम है, तो नीचे की तरफ मैं एक स्यूडो फोर्स लगा दूंगा, वो होगा एम इंटू ए नॉट, ठीक है ना, और क्या होगा इसका एम जी, ठीक है, तो हम यहां से क्लियर कह सकता हूं कि एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एम ए नॉट, या फिर बोलूं तो एम जी प्लस ए नॉट, ठीक है, मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या है, नॉर्मल रिएक्शन इज ग्रेटर देन एम जी, मतलब दिस पर्सन विल फील हैवी, क्या करेगा, दिस पर्सन विल फील हैवी, मतलब क्या करेगा, ये थोड़ा भारी फील करेगा, भारी महसूस करेगा अपने वेट को, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि जब ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये पर्सन है वो क्या है, अपने आप को हैवी फील करेगा, ठीक है, मान लीजिए लिफ्ट क्या है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, नीचे की तरफ क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है, जब नीचे की तरफ एक्सेलरेट मतलब नीचे की तरफ इनआउट एक्सेलरेशन, ठीक है, मान लीजिए इसके रिस्पेक्ट में नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हम देखना चाहें तो ऊपर क्या नॉर्मल फोर्स, क्योंकि कॉन्टेक्ट सर्फेस के परपेंडिकुलर, और इस पर क्या लगेगा, एक स्यूडो फोर्स और लगेगा, स्यूडो फोर्स किधर लगेगा बोलो, अगर इसका मास m है तो हम कह सकते हैं कि नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, तो इस पर जो स्यूडो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, इसका मास मल्टीप्लाई बाय द एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, या फिर इसके फ्रेम का एक्सेलरेशन, तो हम कह सकते हैं ऊपर की तरफ ये और नीचे की तरफ एम जी, तो हम कह सकते हैं एन प्लस एम ए नॉट इक्वल टू एम जी, देन एन विल बी इक्वल टू एम जी माइनस ए नॉट, मतलब n इज ग्रेटर, n इज लेस देन एम जी, n इज लेस देन एम जी, इसका मतलब क्या कहेंगे कि दिस पर्सन विल फील लाइट, दिस वर्क पर्सन विल फील लाइट। अब एक और चीज मेरे को बताइए, एक्सेलरेशन नीचे और ऊपर की तरफ, ये तो हम समझ गए कि जब भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा इसका मतलब क्या होगा कि वो फील करेगा लाइट, और जब भी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा तब फील करेगा हैवी। अब मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, जब लिफ्ट, नॉर्मल लिफ्ट में आप कभी गए हो तो आपने देखा होगा जब लिफ्ट शुरू होती है नीचे से, तो होता क्या है कि वो नीचे, जब नीचे से शुरू होती है तो मतलब नीचे वेलोसिटी उसकी जीरो होती है नीचे, जब ऊपर की तरफ जाने लगती है तब क्या होता है, तब क्या होता है उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। ऊपर की तरफ बढ़ने लगने का मतलब क्या हुआ, मतलब उसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। इसका मतलब जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही होती है नीचे से, तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन उसका ऊपर की तरफ होता है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पर्सन विल फील हैवी, मतलब ऊपर की तरफ जब लिफ्ट जा रही है तो पर्सन क्या है, हैवी फील कर रहा है जब ग्राउंड पे है, ग्राउंड से नीचे से ऊपर जा रही है। अब जब टॉप पे पहुंचने वाली होगी, मान लीजिए फ्लोर, टॉप फ्लोर पे मान लीजिए पहुंचने वाली होगी, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब ये होगा कि लिफ्ट रुकना चाहेगी, और जब लिफ्ट रुकना चाहेगी मतलब वेलोसिटी को अपनी को कम करना चाहेगी, तो जा तो ऊपर ही रही है ना, लेकिन वेलोसिटी को कम कर रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, तो वहां पर पर्सन कैसा फील करेगा, लाइट फील करेगा। तो हम ये बिल्कुल नहीं से कह सकते कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो पर्सन क्या है, हैवी फील करेगा, ऐसा नहीं कह सकते। दो केसेस हैं उसके कि जब पर्सन ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जब नीचे से शुरू कर रही है लिफ्ट तब वो एक्सेलरेट हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। जब वो ऊपर पहुंचने वाली होती है तब क्या होता है, तब उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है। तो ऊपर जाने वाले प्रोसेस में, ऊपर जाने वाले प्रोसेस में क्या होता है, एक बार तो पर्सन हैवी फील करता है और एक बार पर्सन क्या है, लाइट फील करता है। बात समझ आ रही है। अब क्या है कि ऊपर से लिफ्ट क्या है, नीचे आ रही है, तो क्या है, जब नीचे आ रही है मतलब वहां ऊपर से नीचे आ रही है, इसका मतलब क्या है कि लिफ्ट नीचे की तरफ, मतलब ऊपर से नीचे आ रही है, इसका मतलब ऊपर से चलना शुरू किया लिफ्ट ने नीचे की तरफ, इसका मतलब वेलोसिटी को इंक्रीज कर रही है लिफ्ट, इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। तो जब ऊपर पर्सन ऊपर से नीचे आ रहा होगा तब कहेंगे कि वो क्या फील करेगा, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है इसलिए लाइट फील करेगा। जब नीचे पहुंचने वाली होगी लिफ्ट तो वेलोसिटी को क्या करेगी, लिफ्ट
कम करेगी अपनी वेलोसिटी को, नीचे की तरफ कम करेगी वेलोसिटी को लिफ्ट, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा क्योंकि डिसेलरेट होगी लिफ्ट। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वो पर्सन क्या फील करेगा, बोलो, ऊपर की तरफ जब एक्सेलरेशन होगा तो भारी फील करेगा, मतलब जब लिफ्ट नीचे जा रही है तब लाइट भी फील कर रहा है और हैवी भी फील कर रहा है, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तब लाइट भी फील कर रहा है, हैवी भी फील कर रहा है। तो इसका मतलब ये यहाँ से श्योर है कि बस एक चीज हमको पता होना चाहिए कि जब जब एक्सेलरेशन ऊपर होगा तब तब वो हैवी फील करेगा, जब जब एक्सेलरेशन नीचे होगा तब तब वो क्या फील करेगा, लाइट फील करेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रहे कि हम बिल्कुल ऐसे नहीं कह सकते, क्या नहीं कह सकते ऐसे कि ऊपर जाएगी हम जब जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तब तब वो क्या होगा, हैवी फील करेगा, ऐसा नहीं बोल सकते। ऊपर जाने के प्रोसेस में क्या है, हैवी भी फील करता है और कभी भी लाइट भी फील करता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मैं दो स्टेटमेंट आपके लिए लिख देता हूं। सो ये स्टेटमेंट है कि कभी भी कोई भी पर्सन अगर हैवी फील कर रहा है, इसका मतलब व्हेन अ स्पीड इज इंक्रीज, व्हेन ए इज ए, मतलब हैवी फील कब करेगा, जब एक्सेलरेशन क्या होगा ऊपर की तरफ। ये क्या है, ये क्या साइन है, ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है, मतलब हैवी फील कब करेगा, जब एक्सेलरेशन क्या होगा ऊपर की तरफ। और इसके दो केसेस हो सकते हैं, क्या कि स्पीड इज इंक्रीजिंग अपवर्ड, स्पीड इज इंक्रीजिंग अपवर्ड, वो कब होता है, जब हम ग्राउंड से शुरू करते हैं ऊपर जाना, तब स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और वो तभी हो पाता है जब ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो। सेकेंड पॉइंट इज स्पीड इज डिक्रीजिंग डाउनवर्ड, स्पीड इज डिक्रीजिंग डाउनवर्ड, मतलब जब लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही होती है, जब डाउनवर्ड क्या आ रही है, आ रही होती है लिफ्ट, तब क्या होता है, स्पीड क्या कर रही हो, डिक्रीज कर रही हो। तो जब डाउनवर्ड आ रही है तो नीचे जब फ्लोर पर रुकने वाली होती है, ग्राउंड फ्लोर पर रुकने वाली होती है, तो क्या होता है, स्पीड क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। जब डिक्रीज हो रही होती है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, बात समझ आ रही है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, ठीक है। इन दोनों केसेस में हम कह सकते हैं कि पर्सन विल फील हैवी, ठीक है। दूसरा, लाइट कब फील करेगा, व्हेन एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, ठीक है ना, एंड स्पीड इज डिक्रीजिंग अपवर्ड, मतलब जब अपवर्ड लिफ्ट जा रही है, मतलब अपवर्ड लिफ्ट जा रही है, अपवर्ड्स लिफ्ट जा रही है, तो अब हम कह सकते हैं कि स्पीड डिक्रीज कर रही है, स्पीड डिक्रीज, जब मतलब अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ लिफ्ट जा रही है, एंड फ्लोर पे पहुंचने से पहले जब उसकी स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है, तब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है, तो ये केस एक्सेलरेशन नीचे वाला, तब फील क्या करेगा, लाइट। दूसरा, स्पीड इज इंक्रीजिंग डाउनवर्ड, स्पीड इज इंक्रीजिंग डाउनवर्ड, जब लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही है तो स्पीड क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, मतलब डाउनवर्ड जब फ्लोर फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर आएगी तो क्या करेगी, स्पीड इंक्रीज करेगी, ठीक है। और फिर क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, नीचे की तरफ, ठीक है ना, तब जब नीचे आएगी तो स्पीड इंक्रीज करेगी, ठीक है ना, तब भी क्या फील करेगा पर्सन, लाइट फील करेगा। तो यहाँ से ऐसे थोड़ा सा लिफ्ट प्रॉब्लम्स को हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। जब ए जीरो होगा तो क्या फील करेगा, तो वही फील करेगा जो नॉर्मल फोर्स है उसका, ठीक है ना, नॉर्मल उसका जो वेट है वही फील करेगा, ए जीरो हो गया मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से जब लिफ्ट जाएगी तो क्या फील करेगा, जितना उसका वेट है उतना ही फील करेगा, जो वेइंग मशीन है वो क्या शो करेगी, उतना ही शो करेगी जितना उसका वेट है, ठीक है। लिखिए, ये आपके सामने तीन क्वेश्चन है, इनमें क्या निकालना है आपको, फाइंड आउट, ये मान लीजिए ए पॉइंट, ये बी, और इसमें भी ये पॉइंट ए, ये बी, ये ए, ये बी, मतलब सेम लिफ्ट है, सेम लिफ्ट को तीन अलग अलग सिचुएशन में रखा गया है, ठीक है ना, और आपको निकालना है फाइंड आउट द टाइम, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय एम From A to B, मतलब M मास को A से B में आने में कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है, इसमें भी M मास को A से B में आने में कितना टाइम लगेगा, इसमें भी A से B में आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगर ये निकालना है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या दे रखा है कि लिफ्ट एक्सेलरेशन जीरो से जा रही है, मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, मतलब कोई वेलोसिटी वी से जा रही होगी और वी क्या है इसकी, कांस्टेंट है, ठीक है ना, वी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ये क्या है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है, जीरो, ठीक है। ये सिचुएशन देखी तो इस सिचुएशन में देखा कि लिफ्ट ऊपर की तरफ ए नॉट एक्सेलरेशन से जा रही है, ये सिचुएशन देखी इसमें लिफ्ट राइट डायरेक्शन में क्या ए नॉट एक्सेलरेशन से जा रही है, तो इसमें देखिए हम क्या कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि अंदर ही बैठ जाते हैं लिफ्ट में, क्या है, हम अंदर ही मान लीजिए यहाँ पे बैठ गए और लिफ्ट में अंदर बैठ के ही स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना।
अंदर बैठ के ही स्टडी कर रहे हैं। तो अभी देखो, मान लीजिए ये है आपका कोई क्यू, क्या है क्यू के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे, कोई इंसान है क्यू जिसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे, मतलब आप क्यू बन के वहां पर बैठ गए, आप क्यू बन के वहां पर बैठ गए, ठीक है ना। अब इस सिचुएशन के लिए अगर आप देखो अपने आप को, तो आप किस फ्रेम में हो, इनर्शियल फ्रेम में, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये जो फ्रेम है वो कितने से जा रहा है, जीरो एक्सेलरेशन से। इसका मतलब आप कौन हो, इनिशियल इनर्शियल ऑब्जर्वर, ठीक है ना। जब आप इनर्शियल ऑब्जर्वर हो तो कह सकते हो कि इस पर न्यूटन के लॉ लगा सकते हो आप आसानी से। तो आप देखोगे कि नीचे की तरफ हम कह सकते हैं कि यहां पे नीचे की तरफ इस पर क्या लगेगा, एम जी, तो एम जी का एक कंपोनेंट इधर होगा कितना, एम जी साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर होगा वो क्या होगा, एम जी कॉस थीटा, तो और एक क्या है, नॉर्मल रिएक्शन बाय द इंक्लाइन लगेगा, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि नॉर्मल रिएक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन है, जो कि परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन है नॉर्मल रिएक्शन, और जो एम जी कॉस थीटा है वो भी क्या है, यहां पर लग गया है आपका, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा कि आप देखोगे कि ये नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो कि नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। बट अगर आपको टाइम निकालना है ए से बी में जाने में, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी मैंने जीरो दे रखी है, इसमें भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो दे रखी है, इसमें भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि ये देखेगा कि इसका एक्सेलरेशन इधर कितना है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जितना इस पर फोर्स होगा और अपॉन मास, तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इन ए बी डायरेक्शन क्या है, इन दिस डायरेक्शन कितना है इसका एक्सेलरेशन, जो कि है जी साइन थीटा, कितना है जी साइन थीटा एक्सेलरेशन है, जी साइन थीटा कांस्टेंट है हमें पता है, तो हम कह सकते हैं कि इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन इतना है और इसको ये ए से बी जाना है, ए से बी, और डिस्टेंस कितनी है ए से बी के बीच में, एल नॉट, तो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के लिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर यहां से लगा दिया जाएगा। तो एस कितना ट्रेवल करना है, एल नॉट, इनिशियल वेलोसिटी क्या है जीरो, हाफ इंटू ए क्या है जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, तो टी निकल जाएगा आपका टू एल नॉट अपॉन जी साइन थीटा, ठीक है ना, ऐसे आपका क्या निकल जाएगा, टी निकल जाएगा। अब सुनो मेरी बात, यहां देखा इस सिचुएशन को, तो यहां पे आप बैठ गए आके, जब यहां पे आप बैठे आके तो आपने देखा कि आप क्या बन गए, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर बन गए। जब आप नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर बन गए तो आपने देखा कि इस पर फोर्स एक लग रहा है नीचे की तरफ एम जी, और एम जी के दो कंपोनेंट कर दिया आपने, एम जी साइन थीटा, और इधर कर दिया आपने एम जी कॉस थीटा, और ऐसे इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगा दिया। बट आप नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हो तो आप सोचोगे कि मैं इस पर एक और फोर्स लगाऊंगा, और वो लगाऊंगा स्यूडो फोर्स, क्या लगाऊंगा, स्यूडो फोर्स, ठीक है। तो अब देखो ये स्यूडो फोर्स किधर लगाएंगे, ये इनका खुद का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, मतलब इनके फ्रेम का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है कितना, ए नॉट, तो इस पर जो स्यूडो फोर्स लगाएंगे वो नीचे की तरफ लगाएंगे, वो कितना लगाएंगे, इसका मास मल्टीप्लाई बाय द एक्सेलरेशन ऑफ खुद का फ्रेम, वो क्या है, ए नॉट, ठीक है ना। तो अब देखेंगे कि एम ए नॉट के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इधर हो जाएगा एम ए नॉट साइन थीटा, और इधर हो जाएगा एम ए नॉट कॉस थीटा। आपको ये समझ में तो आ रहा होगा कि मैं ये कंपोनेंट्स कैसे कर पा रहा हूं, क्योंकि ये हम जानते हैं कि ये एंगल अगर थीटा है तो हम कह सकते हैं, वो क्या कह सकते हैं बोलो, कि ये एंगल भी क्या हो जाता है हमारा, थीटा हो जाता है, ये तो हमें पता है ना, बोलो, क्योंकि हमें पता है कि ये बिल्कुल कह सकते हैं कि जब ये एंगल क्या है, थीटा है हमारा, तो हम ये कह सकते हैं अगर यहां से एक ऐसी लाइन बनाई जाए तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा, ठीक है, ऐसे ये एंगल हो जाता है 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, एक कंपोनेंट इधर एम जी कॉस थीटा, और एक इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर कितना, एम जी साइन थीटा, तो ऐसे हम एम जी कॉस थीटा साइन थीटा कर रहे हैं, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम कह सकते हैं सिंपल, क्या एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए नॉट कॉस थीटा, ठीक है ना, हम सीधा कह सकते हैं एम जी प्लस एम ए नॉट कॉस थीटा, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। बट इधर इसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, इसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो पार्टिकल को ए से बी डिस्टेंस ट्रेवल करना है कितना, एल नॉट, और इसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए इस पार्टिकल का इधर एक्सेलरेशन क्या होगा, वो होगा नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, वो क्या है, एम एम इंटू ए नॉट प्लस जी साइन थीटा, ये नेट फोर्स है नीचे की तरफ, और अपॉन मास, तो ये क्या है बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ मास m, ये क्या है q विद रिस्पेक्ट टू q,
अब इसके रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल को यहाँ से ए से बी ट्रेवल करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो ये क्या लगा देगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या थी, जीरो, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये यहाँ पे क्या है, रुका हुआ था। और इसके रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है इसको, एल नॉट, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज ए नॉट प्लस जी इंटू साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से जो टाइम आया वो टाइम कितना आया बोलो, टाइम आया टू एल नॉट अपॉन ए नॉट प्लस जी इंटू साइन थीटा का स्क्वायर रूट। ये आया या नहीं आया बताइए, ये हमारा क्या आ गया, टाइम आ गया कि टाइम टेकन बाय दिस पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी, समझ आ रही है। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, टाइम बेसिकली फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होता, मतलब टाइम जो रियल में ये पार्टिकल ए से बी जो पहुंचा है, मान लीजिए 10 सेकंड में पहुंचा, तो चाहे इसके हाथ में घड़ी लगी हो, चाहे बाहर जो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है उसके हाथ में घड़ी लगी हो, दोनों के हिसाब से क्या है, ये एक ही टाइम में ए से बी में पहुंचेगा। तो समझ आ रही है, इसलिए हमने जो टाइम निकालने का काम कर रहे हैं वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाके कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम, समझ आ रही है, इसलिए हमने इस नॉन इनर्शियल फ्रेम के, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हमने टाइम निकाल लिया। और वही टाइम क्या होगा, चाहे कहीं से भी देखो, टाइम तो ब्लॉक को ए से बी आने में सेम ही लगेगा, ठीक है। एक और चीज देखो, हुआ क्या है कि अगर देखा जाए इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें और इसमें एक ही चीज़ का डिफरेंस है। यहाँ पे देखो टी कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट और आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है ना। एल नॉट इक्वल टू हाफ जी साइन थीटा टी स्क्वायर, तो यहाँ पे टी कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ टू एल नॉट अपॉन जी साइन थीटा। अब सुनो मेरी बात, ये जो है ना, ये इसमें और इसमें डिफरेंस है ओनली, यहाँ पे जी है, यहाँ पे क्या है, जी प्लस ए नॉट। मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं, यहां पे बेसिकली mg की जगह बेसिकली नीचे की तरफ फोर्स क्या हो गया था, mg प्लस ma नॉट, मतलब g की जगह क्या हो गया था, बेसिकली g प्लस a नॉट, मतलब नीचे की तरफ फोर्स क्या था पहले mg, अब इधर a नॉट होने की वजह से इस पर नीचे की तरफ फोर्स कितना हो गया, mg प्लस a नॉट, यही तो हो गया था। इसका मतलब जो ये जो बेसिकली है ना, ये जी इफेक्टिव होता है, समझ आ रही है, ये जी इफेक्टिव। अगर आप इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को नहीं करना चाहते हो, डायरेक्टली करना चाहते हो, तो आप क्या करो, नॉर्मल ये निकाला और आपने क्या निकाला, जी इफेक्टिव। और जी इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, आप देखो कि आपका जो स्यूडो फोर्स है ना वो किधर लग रहा है। अगर स्यूडो फोर्स आपका जस्ट इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में आप नेट फोर्स निकालो, और इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जो निकला है उसमें ये देखो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो नेट फोर्स निकला है, मान लीजिए पार्टिकल पर नेट फोर्स जो आ रहा है, स्यूडो फोर्स उसकी वजह से कितना आ रहा है इस पर्टिकुलर केस में, बोलो नीचे की तरफ कितना आ रहा है, एम जी प्लस एम ए नॉट, मतलब एम जी प्लस ए नॉट, मतलब आपका क्या चेंज हो गया, जी की जगह जी प्लस ए नॉट हो गया, समझ आ रही है। जहां पहले mg था अब वो क्या हो गया, mg प्लस a नॉट। तो आपको क्या करना है, g की जगह g प्लस a नॉट शिफ्ट करना है, खत्म, g की जगह बस g प्लस a नॉट शिफ्ट करना है, समझ आ रही है। अब एक चीज देखो, इस क्वेश्चन को देखो, तो इसमें देखा जाए तो अगर मैं यहां पे एक ऑब्जर्वर बिठाता हूं, ठीक है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो इस पर एक स्यूडो फोर्स लगना चाहिए, क्योंकि लिफ्ट अगर इधर जा रही है तो मतलब ये इधर जा रहा है, तो स्यूडो फोर्स क्या लगेगा, जस्ट ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन एम ए नॉट, और नीचे क्या लगेगा mg, समझ आ रही है। इसको अब हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करो उसको, इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ma नॉट इधर है, ठीक है, अब इसके कंपोनेंट्स करेंगे अपन, ठीक है ना। पहले इसे मैं मिटा देता हूं, mg का एक कंपोनेंट इधर कितना, mg cos थीटा, क्योंकि हमें पता है ये एंगल कितना थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये थीटा, ठीक है, एंड ये एंगल कितना, mg साइन थीटा, ठीक है ना। अब इधर क्या लग गया, स्यूडो फोर्स जो कि एम ए नॉट है, तो हम कह सकते हैं एम ए नॉट का एक ये कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट, समझ आ रही है, ये दो कंपोनेंट हमको लिखने हैं। तो देखो इधर के कंपोनेंट की अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं दिस इज थीटा, तो देन वी कैन से इट इज ऑल्सो थीटा, ठीक है, ये क्या थीटा, तो यहां का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एम ए नॉट कॉस थीटा, ठीक है, और इधर एक कंपोनेंट क्या आ जाएगा बोलो, एम ए नॉट साइन थीटा, आएगा या नहीं आएगा बोलो।
अगर इसकी बात करें कि नॉर्मल फोर्स इस पे कहाँ लगेगा, तो इधर लगेगा. तो नॉर्मल फोर्स की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो विच इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा. अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन क्या है इसका? एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना, जो कि एम जी साइन थीटा माइनस एम ए नॉट कॉस थीटा. क्या है? एम जी साइन थीटा माइनस एम ए नॉट कॉस थीटा. ये तो नेट फोर्स है अपॉन मास. तो नेट एक्सेलरेशन जो इसका है वो है जी साइन थीटा माइनस ए नॉट कॉस थीटा. This is a net acceleration in this direction, ठीक है ना. Now you need to find the time taken by the particle from A to B. Then you can apply S equal to ut plus half at square, ठीक है ना. Now you can see कि S कितना travel करना है इसको, L not, ठीक है. Initial velocity क्या है? Zero. Half into acceleration क्या है बोलो? G sin theta minus ए नॉट कॉस थीटा, ये एक्सेलरेशन हो गया, इनटू टी स्क्वायर. टी की वैल्यू आई वो क्या आई आपकी? टी की वैल्यू आई टू एल नॉट अपॉन जी साइन थीटा माइनस ए नॉट कॉस थीटा इसका स्क्वायर रूट, ठीक है ना. ये आपकी क्या आ गई? टी की वैल्यू आ गई. तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हो? टाइम टेकन बाय दिस पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी. तो ऐसे आपने क्या निकाल लिया? टी की वैल्यू आपने निकाल ली, ठीक है.